मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ, नॉट प्लेइंग वनराज शाह एनी मोर। टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा में एक से बढ़कर एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों अनुपमा सीरियल में खूब ड्रामा मचा हुआ है। जिस तरह से शो की कहानी चल रही है, दर्शक एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते। वहीं शो में शुरू से कई एक्टर्स जुड़े हुए हैं और इतने सालों बाद भी शो के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन अब अनुपमा के बारे में एक शॉकिंग खबर नजर आ रही है। दरअसल शो में वनराज शाह का किरदार निभा रहे अभिनेता सुधांशु पांडे ने ऐलान कर दिया कि वो शो को अलविदा कहेंगे। सुधांशु पांडे का ये बयान सुन फैंस भी अब सदमे में आ गए हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुधांशु ने क्या कहा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज मैंने इसलिए ये लाइव आज प्लान किया था क्योंकि मैं आप सबको, जैसा मैंने पहले कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले 4 साल से आप लोगों के यहाँ रोज़ पहुँच रहा हूँ, वो एक डेली शो के ज़रिए, और एक किरदार प्ले कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नाराज़गी, बहुत कुछ मिला। बट वो नाराज़गी भी मेरे लिए एक तरह से प्यार ही रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग नाराज़ नहीं होते मेरा कैरेक्टर देख के तो मुझे लगता कि यार शायद मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आपका जो आपकी जो नाराज़गी है या आपकी आपका गुस्सा है वो भी सर आँखों पर रहा है मेरे लिए, और प्यार तो खैर आप लोगों ने दिया ही है, बहुत अप्रतिम प्यार दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इस प्यार के चलते और इतना कुछ आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरे कैरेक्टर को सपोर्ट किया है वनराज शाह को, तो आज मैं आप लोगों को थोड़े भारी दिल से लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ। और मुझे लगा था कि जी पिछले रक्षाबंधन से मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ, इसी रक्षाबंधन से, बट अब क्योंकि इतने दिन बीत गए थे तो मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे कल को मुझसे नाराज़ ना हो कि ये बिना बताए कैसे चला गया। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये बात बताऊँ कि दोस्तों आज आप सबके सामने मैं बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ, नॉट प्लेइंग वनराज शाह एनी मोर इन द शो अनुपमा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद है, इतने साल आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उस प्यार के लिए, उस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उस सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद, और इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि अचानक इस तरह का डिसीजन मुझे लेना पड़ा, पर क्योंकि हम लोग को जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आगे निकलना ही पड़ता है, मूव करना ही पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। आप लोग मुझे, सुधांशु पांडे दी एक्टर को, आप इसी तरह से बहुत सारा प्यार देते रहिए। आगे भी मैं इसी तरह से किरदार निभाता रहूँगा और नए नए किरदारों में आता रहूँगा। अब सवाल ये उठता है कि वनराज के किरदार में मेकर्स किस अभिनेता को कास्ट करेंगे, या फिर वनराज शाह के किरदार को ही हटा दिया जाएगा। फिलहाल ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन सुधांशु के वीडियो पोस्ट के साथ साथ ही लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, नो वन कैन प्ले वनराज शाह बेटर देन यू, मैं अब किसको सांपराज बोलूंगी, सच अ वंडरफुल एक्टर यू आर। एक यूजर का कहना है, यू विल बी डीपली मिस्ड बिकॉज़ आई लव टू वनराज शाह, द कैरेक्टर हुम यू ब्रॉट इनटू लाइफ, इट्स सो सैड टू सी यू लीव। एक यूजर ने कहा, नो 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 यार, कैन नॉट वॉच द शो एनी मोर। वैसे कि आप भी अनुपमा सीरियल के फैन हैं और आपको भी इस तरह से सुधांशु का शो छोड़ना दुखी कर रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन पर उनके लिए मैसेज छोड़ना ना भूलें।